तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्यूटोरियल मोहित में। मेरा नाम है मोहित अग्रवाल और आज मैं आप लोग को बताऊंगा हाउ टू मेक योर यूट्यूब चैनल डिस्कवरेबल इन सर्च। इसका मतलब है जैसे आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया, ये एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, और आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया, फिर अपना यूट्यूब चैनल का नाम अपने दोस्त को बोला और दोस्त को बोला कि ये चैनल को सब्सक्राइब करो, और जब आपके दोस्त ने चैनल सर्च किया तो उसका नाम ही नहीं आ रहा, मतलब आपके चैनल दिख ही नहीं रहा टॉप ये सब पे, कितना नीचे का चैनल नहीं दिख रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा होता है, इसका एक प्रॉब्लम होता है, ये हर चैनल का एक प्रॉब्लम होता है, उनका सर्च में सेकंड या थर्ड नंबर पे आ रहा है, उसको फर्स्ट नंबर पे कैसे किया जाए? बहुत ही सिंपल स्टेप के साथ कर सकते हैं आप इसको फर्स्ट नंबर पे। तो मेरे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना, आपका चैनल सर्च में भी दिखेगा, अगर आपका मतलब आपका कैसे भी सर्च करोगे ना आपका चैनल आपको दिखेगा। तो अपना कंप्यूटर खोलो और उसमें कोई भी ब्राउजर खोलो। ब्राउजर खोलने के बाद आपको यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में जाने के बाद आपको मतलब राइट अप में वहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो का ऑप्शन होगा, बस आपको डायरेक्ट क्रिएटर स्टूडियो में जाना है। फिर आपको तो पता ही होगा चैनल में जाना है, फिर आपको चैनल पे क्लिक करना है। चैनल पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे एडवांस का ऑप्शन होगा, एडवांस पे क्लिक करना है। फिर वहाँ पे एक चैनल कीवर्ड्स होता है, चैनल कीवर्ड्स, ये चैनल कीवर्ड्स एक चैनल टैग्स की तरह काम करते हैं। यहाँ पे जैसे आप अपना चैनल का नाम लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ट्यूटोरियल मोहित, मोहित ट्यूटोरियल, ये हाँ ये मैंने लिख दिया। अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ मोहित ट्यूटोरियल मोहित एक साथ, बस आपको बस अपना चैनल का नाम लिखना है और कोई करना नहीं है। आप किस चीज़ पे वीडियो बनाते हो वो भी लिख सकते हो। फिर आपको सेव दबाना है, सेव दबाने के बाद आपका सेटिंग चेंज हो जाएगा और चैनल आपका फर्स्ट पे डिस्प्ले होगा 2-3 दिन के अंदर। ये एक चैनल कीवर्ड्स बोले तो चैनल टैग्स होते हैं, जैसे वीडियोस टैग्स होते हैं ना, वैसे एक चैनल टैग्स होते हैं। अगर आपका कोई चैनल सर्च करेगा जो आपके चैनल कीवर्ड्स में, तो आपका चैनल शायद डिस्प्ले हो जाए वहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना।